बहादुरगढ़ विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश कौशिक घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश कौशिक बहादुरगढ़ शहर के वार्ड नंबर 9, 10 और 11 में डोर टू डोर प्रचार अभियान चलाने पहुंचे। इस दौरान लोगों ने भी फूलों की माला से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश कौशिक का जोरदार स्वागत किया। देखिए आज 9, 10, 11 तीनों वार्डों में आज हमारा डोर टू डोर चला हुआ है और जो तीनों पार्षद अपने यहाँ के और राम कुमार सैनी जी बिल्कुल सारे भाई दिल से लगे हुए हैं और आप देखना पीछे एक बार कैमरा उठा के देखना सारे तीनों वार्ड हमारे साथ डोर डोर चले हुए। लोग बागों में उत्साह है, उमंग है, तरंग है। सभी भाई मोदी जी मोदी जी मोदी जी के नारे लगने लग रहे हैं। सारा देश मोदी जी को चाहता है तो आज ये प्रोग्राम बिल्कुल सारी पब्लिक उठकर है तीनों वार्डों की। बीजेपी उम्मीदवार दिनेश कौशिक का कहना है कि बीजेपी सरकार ने जमकर काम किए हैं और जो काम अधूरे हैं उन्हें विधायक बनते ही वो पूरा करवाएंगे। दिनेश कौशिक ने कहा कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में लाडली बहनों के लिए भी 2100 रुपए हर महीने देने का संकल्प किया है। ऐसा है सर, बिल्कुल सारी नाली गली की जो भी समस्या है एमएलए बनते ही हमारी सरकार आते ही एक समस्या को दूर किया जाएगा। उन्होंने कुछ समस्या हमारी दूर भी कर रखी है और बाकी थोड़ी बहुत रह रही है, सारी समस्याओं को दूर कर। ऐसा जी मोदी जी की जो स्कीम है हमारी सेंटर की स्टेट की, मोदी जी ने देखो मतलब बीपीएल कार्ड गरीब आदमियों की जो भी समस्याएं हैं जो है धारा 370 श्रीराम मंदिर और जो है आयुष्मान योजना जो पहले 5 लाख थी उस आयुष्मान योजना को अब 10 लाख कर दिया है। हमारी बहनों के लिए रसोई गैस का सिलेंडर वो 500 रुपये कर दिया भाई घोषणा पत्र में और हमारी महिला बहनों के लिए जो 2100 रुपये हर महीने पेंशन कर दिया है और जो है हमारी जो बेटियां स्कूल में कॉलेज में जाती है उनके लिए स्कूटरी और जो है नए 10 IMT आएंगे हरियाणा में, उससे हमारे हलके का विकास होगा। लगभग 5 लाख नौकरियां लगेंगी। तो हमारे घोषणा पत्र में जो है ये सारी सेंटर की स्कीमें हैं और ये सारी घोषणा जैसे 2-3 स्टेटों में हमने जो घोषणाएं रखी थी वो सारी पास होगी। बीजेपी उम्मीदवार दिनेश कौशिक का चुनाव प्रचार अभियान तेज है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी दिनेश कौशिक को भारी जनसमर्थन भी मिल रहा है। भारी जनसमर्थन के कारण दिनेश कौशिक अपनी जीत का दावा कर